बीवी का ज्ञान हो गया, बीवी के पास एक डॉक्टर पहुंच नहीं पाया। डॉक्टर क्यों पहुंच नहीं पाया? क्योंकि गांव में एक बड़ा माउंटेन था, उस माउंटेन को क्रॉस करते करते आते डॉक्टर को बहुत घंटे लगे, इसलिए बीवी मर गई। एक और दो एक्सप्रेशन मिला, दिखी लोग क्या करते, चल बड़ा चिनिया कपड़ा लेके, एक नहीं दो नहीं चार नहीं पांच नहीं 22 साल तक चिनिया कपड़े से माउंटेन को तोड़ता रहा। 22 साल के बाद 55 किलोमीटर का माउंटेन तोड़ दिया और गांव के लिए रास्ता बना दिया। जितनी लोग इतिहास रचते हैं, आप और मेरे जैसे लोग बहुत कुछ कहानी बनाएंगे। ये इतिहास रचने के लिए जितनी एक जीत होनी चाहिए, एक जीत को पालना चाहिए, एक जीत को बड़ा रखना चाहिए। नॉर्मल मेंटेलिटी के लोग ज्यादा कुछ नहीं कर जाते। ये भगत सिंह 21 बोला आपकी शादी कर दी है, इस बंदे को कौन नहीं जानता, उससे मुझे शादी नहीं करूंगा, कानपुर भाग गए, ये शरीर एक लड़की को नहीं दूंगा, देश में निछावर कर दूंगा, फांसी में चढ़ गया, लेकिन जीत को पाला, जीत को पालना है, जीत को छोटा नहीं रखना है। ये बिलीफ सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीफ सिस्टम के करीब जाते हैं तो हमें नहीं। नेल्सन मंडेला एक नहीं दो नहीं 25-27 साल जेल में निकाले, कोई पेमेंट नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, 27 साल आने के बाद भी साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। कोई कोई इंसेंटिव नहीं, 27 साल जेल में गुजारो, बाहर आने के बाद वापस सक्सेसफुल बनो, एक पर्पस के लिए काम किया। मैरी कॉम, ये बंदी ने एक दूसरे स्टेट के बच्चों को देख लिया कि उसने चैंपियन ले लिया बॉक्सिंग में, हालांकि कोई चैंपियनशिप जानती नहीं थी, बॉक्सिंग जानती नहीं थी, कुछ भी मालूम नहीं था बॉक्सिंग के बारे में, फिर भी खेल लिया। मेरी कॉम देन दिसंबर, जिन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया बॉक्सिंग में चैंपियन के बन के, बहुत सारे मेडल लेके आए। जीत को पालना, एक जिद्दी नेचर होना जरूरी है लाइफ में, करियर कोई भी हो, जीत को पालना सीखे बहुत जरूरी है। अगर जीत को पालते हैं, जीत को बड़ा करते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। महात्मा गांधी, इसके नाम पे हम लोगों को लगता है बंदे ने क्या किया, इसके इससे बड़ा जिद्दी इंसान इंडिया के हिस्ट्री में नहीं है। साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहा था, एंग्लो ने बाहर कर दिया कि तेरी औकात नहीं है फर्स्ट क्लास में बैठने की, जिद्दी आदमी था, बाहर आ गया, बोला आपने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं आपको अपने देश से बाहर निकालूंगा, कम टू माई कंट्री, पूरे अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। जिद्दी आदमी था, जीत को पालना सीखे, जीत को बड़ा करना जरूरी है। मैं जीत की बात करूं तो मलाला यूसुफजई 12 साल की लड़की ने बोला तालिबान की क्या औकात है हमको पढ़ाई से रोके, तालिबान बोलता है लड़कियों ने नहीं पढ़ना चाहिए, तालिबान बोलता है घरों में बैठना चाहिए, मैं बोलती हूँ तालिबान की औकात नहीं है, क्या रोकेगा, मैं पढ़ाई करूंगी। 12-13 साल की लड़की ने तालिबान को चैलेंज कर दिया, स्कूल में जा रही थी, स्कूल बस में तालिबानी आ गया, बोला कौन है मलाला, बोली मैं हूं मलाला, मुझे रोकेंगे आप, बोले हाँ तू स्कूल नहीं जाएगी, मलाला खड़ी हो गई, दादी 3 गोलियां उसकी छाती में, 12 साल का बच्चा 3 गोली खाकर मर सकता, 3 गोली खाने के बाद उसने मूवमेंट स्ट्रॉन्ग कर दी, सबसे छोटी उम्र में उसको नोबेल प्राइज मिला, मलाला यूसुफजई। इसको बोलता है जिसको पाना जरूरी है, या जिसको बड़ा करना जरूरी है। यह दिन अगर हम समझ गए तो आप सफलता के नए रास्ते बनाओगे, जीत को बड़ा कर दिए सफलता के बड़े रास्ते मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो आप नए रास्ते बनाओगे, बट जीत को पालना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीत को अगर हम समझ चुके तो हमें कोई नहीं रोक सकता। एक एंड्रे अगस्सी